गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। अगर नहीं होंगे तो आज हो जाएंगे मेरा प्यारा सा व्लॉग देख के। कल आपने देखा कि मैंने मेरे बालों को ब्लो ड्राई तो कर लिया था, पर रात में सोते समय फिर से वो टैंगल्ड हो गए, तो उन्हें हम अच्छी तरह ब्रश कर लेंगे। उसके बाद मैं उस पर ये सिरम लगाने वाली हूँ। ये है पैंटीन का कोई सिरम, इसका नाम मुझे याद नहीं है, आप इसकी पिक्चर शेयर कर दूँगी। पर ये सिरम बहुत अच्छा है, इसको लगाते ही बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। बालों को सॉफ्ट करने के बाद हम हमारी स्किन केयर करेंगे, ब्रश करेंगे, बोरिंग चीज़ें जो हम एवरीडे करते हैं। स्किन केयर के लिए मैं 2-3 ही प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहला है ये कील का अल्ट्रा हाइड्रेशन टोनर। उसके बाद आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ये हाइरलोनिक एसिड फ्रॉम लॉरियल। एक्चुअली मैं स्टिल प्रेफर करूँगी ऑर्डनरी का, क्योंकि उसको लगाने के बाद जो हाइड्रेशन वाली फीलिंग आती है ना, वो इसके बाद नहीं आती। पर उसके बाद हम अच्छी तरह लेयर करके मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। आपको पता है कि मेरी स्किन ऑयली है, पर मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक बंदे के लिए। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये डर्मा ई की विटामिन ए रिन्यूअल क्रीम। 15-20 मिनट्स का मेकअप करेंगे, बिकॉज आज मैं बाहर जाने वाली हूँ, अदरवाइज़ मैं कई बार नहीं भी करती हूँ। तो उसके बाद मेरे बालों को स्टाइल कर लेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं मेरे बालों को कैसे डिटेल में स्टाइल करती हूँ, उसकी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, उस जिसमें मैं ज़्यादा अच्छा डिटेल में बताया कि मैं कैसे बालों को स्टाइल करती हूँ। यस, बाल कुछ इस तरह के हो गए हैं। बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा शाइनी एंड मज़ेदार नहीं दिख रहे थे, क्योंकि बालों में ना थोड़ा ड्राइनेस है। गोभी की सब्जी का कचुम्बर निकाल दिया गया है। पति को उसके परांठे अच्छे लगते हैं, मैं गोभी के परांठे खाऊंगी। और ये बंदा इतना परांठी की वेट। हे स्वीटी, एंग्री क्यों? जी हाँ। ऑलराइट दोस्तों, ये बंदा काफ़ी वेला लग रहा है, इसके पास कुछ ही नहीं है करने के लिए, तो मीमी के टॉय के छापे ला रहा है एंड वेट कर रहा है पराठे की। यस सर। उसके बाद आपका क्या प्लान है, आज क्या करेंगे सर? तो बात को मुझे आपको दिखा दिया जाए, बाद में आप कहते हैं पति की वीडियो नहीं बनाने। मैं आज दिखाना कि पति बनाना चाहता ही नहीं है। पति दी मथे ते शिकन एंड नक फूल जाता है, मथे भी शिकन आ जाती है जब वीडियो बनाना चाहे तो। बहुत ही लकी है कि तुम्हारी वीडियो कोई बनाना, मेरी कोई बनाए ना मैं मजा आ जाए। कैमरे ते अग्गे रहण वाला बंदा कैमरे ते पिछे आ। अजकल तैनू किसे चीज दी लोड नहीं है, जे तू आपदी वीडियो बनाउणी है जस्ट पुट इट ऑन द स्टैंड एंड गाइस, बंदे के पास करने के लिए कुछ नहीं करना है। फोन ले लिया गया है बंदे से, बंदा अपना ब्लड प्रेशर चेक करने लगा है। सेहत दा ध्यान रख। ले 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 बुगी जी, ले बंदा ते रिलैक्स कर लो। दोस्तों आप यहाँ से मुझे देख तो पा नहीं रहे हैं, पर क्या करें, हाँ मेरी वीडियो बनाने के लिए कोई बंदा है नहीं। बंदा कहता स्टैंड तो लाओ तो आप ही बनाओ। मैं बनाने वाली हूँ परांठा। हस्बैंड ने कचुम्बर निकाल दिया गोभी का, एक परांठी बना के देंगे उनको। तवा गर्म हो चुका है। ऑलराइट, खाने के बाद मैंने और हस्बैंड ने प्लान बनाया कि बाहर जाके कॉफ़ी पीते हैं, दोनों डेट मनाते हैं। हम लोग आगे हैं कॉफ़ी कल्चर। रेगुलर कैपेचिनो एंड कैन यू पुट हाफ एस्प्रेसो शॉट, थैंक यू। ओके, मैंने मेरे लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है एंड कैफीन थोड़ी कम पीने वाली हूँ मैं, हाफ कहा है मैंने। सो यस, होपफुली मुझे पसंद आ जाएगी। व्हाट इज दैट? कैपेचिनो। और मक्का काटो। तो ये कहना तो सीख ला, मक्का डाटो। मैं क्या कहूँ, मक्का डाटो। की दोस्तों, तो फिर मैं लेके आई हूँ मेरे लिए एक कप चाय। पति कहने कि मैं भी पीऊँगा तेरे नाल पीऊँगा, कल्ला नहीं पीऊँगा। तो शेयर कर लेंगे, और क्या, अपनी पीनी नहीं मेरे साथ पीनी है। मैंने सूट ही नहीं ना कर दी, सूटिंग ऑनिंग कर दी, थोड़ा केस चल रहा। क्यों नहीं सूट कर दी? इट्स वेरी गुड। ऑलराइट दोस्तों, आई होप मुझे देख पा रहे होंगे, मैं ना मुंह पे बहुत ज़्यादा चमक पड़ रही है। पति को ज़बरदस्ती लेके आई हूँ मैं, अब पति को गल नहीं आएगी, कोई गल नहीं आएगी। मैं गाल कर दूँगी। अब पति चुप रहेंगे, मुंह पे ना सी लेंगे अपना मुंह। पडील पिज़्ज़ा एंड विंग्स खाने लो परोंठे का केड़ी मिट्टी से बने आ तू मक्का काट के आ जा।
ओके सो नाउ सो हमने प्लान बनाया रोटी खाने के बाद कि चाय कॉफ़ी पीते हैं. फिर मैंने क्या कि यार बहुत बढ़िया मौसम है, बाहर जाके पीते हैं. तो हम दोनों आ गए कॉफ़ी कल्चर. पति ने एक अपने लिए कॉफ़ी नहीं ली है, कहने में तैरना एक घोट पीना और एक 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 करके अच्छे तरह ले आनी इन्होंने, इसलिए बार बार छीननी पड़ेगी. दोस्तों मैं पींदा नहीं क्योंकि मैंने सूट नहीं करती, बाहर की चीज़ ना मैनू नहीं करती, घर की बनी चीज खालस चीज खाने. दारू दारू पींदा नहीं ना दारू घर कदन लगता पींदा नहीं मैं पींदा नहीं. जो मुंडा कोई कहना ना तो डर का दारू ही करता हूं मैं पींदा नहीं. बाहर की चीज मैं खांदा पींदा नहीं, खांदा भी नहीं. मुझे सिर्फ तो सूट ही नहीं करते गाइस, मन लगा इन दी जेब नु सूट नहीं करदी. ये सारे पति एदी हुंदे जेबां नु भी सूट नहीं करदी. उतों पहला जेब नु चलो सूट कर भी गई खाओ ते बाद च पछताओ. एक्चुअली ना सिमोन ने कुकिंग खुआ पिला के हिंदी बोलू जो भी बोलो इसके साथ मुझे रहते हो गए कोई सवा दस साल. सवा दस थोड़ी बहु 13 साल हो गए मेरी आत्मा तेरे को. वो आत्मा मेरी तां इहदे कोल आई, इहदी रोटी पानी जो बनाउंदी आ ना एडा फर्स्ट क्लास बनाउंदी आ, जिहड़ा साडा लैवल आ स्वाद दा उह ऐन जमे टॉप ते कर बैठी है. जब भी बाहर से खाते हैं अच्छा लगता ही नहीं, कुछ बाता ही नहीं, इनको होता ही नहीं है, होता ही नहीं, इनसे आता ही नहीं है, आता ही नहीं. या गाइस बड़ा मुश्किल हो गया है काम. एक प्रॉब्लम आ कि हम सब कुछ खा नहीं पाते हैं. मेरी तो बहुत ही ज्यादा है, तो ही तो फिर भी खा लेंगे. सो कल हम लोगों ने आपने देखा कल हमने खाया वो कबाब और हस्बैंड मुझे आइडिया दे रहे थे आ खा लेने पर मैंने लगा कि मैं खा ही नहीं सकती. मैं टेस्ट ही नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं पैसे भी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ कि नवी चीज़ ट्राई करो स्वाद भी नहीं लगेगी और तो पैसे भी ख़राब होंगे मज़ा भी नहीं आएगा. सो मैंने सोचा जब बाहर जाना है खाने के लिए वही चीज़ खाओ जो आपको पता है कि वाकई अच्छी है. मुझे लगता है कि हमारे इतने रहने सानू 8-9 साल हो गए, हमने बस सबसे ज़्यादा जो रेस्टोरेंट में खाना खाया है वो है बारबेक्यू टुनाइट, जिसमें मैं लगा 5-10 बार खाया होना ही. और उस तो बिना ओलिव प्रेस गए हैं हम 8-10 बार गए होंगे. एंड एक वो कबाब वाली अफगानी कबाब बामिया कबाब काफ़ी बार खाया होगा, पर इन्नी भी नहीं कि लाइक 10 under 10. ऑल राइट दोस्तों थोड़ी देर में मिलते हैं. ओके बाय. सो जो चीज़ें मैं रेगुलर अकेले करती हूँ वो मैं अपने हस्बैंड के साथ आज कर रही हूँ. सबसे पहले मैं उनको लेके गई हूँ ये बहुत ही प्यारी सी क्रिस्टल शॉप में. इस दुकान में आपको मेडिटेशन से रिलेटेड स्पिरिचुअल चीज़ें, क्रिस्टल्स, अगरबत्तियाँ, सेज सब कुछ मिल जाता है. ये मिल्टन डाउनटाउन में है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है. इसका नाम है नेचर्स वे आई गेस. तो इसमें अलग सी एनर्जी है इस दुकान में. तो अगर आप क्रिस्टल्स में यकीन रखते हैं तो यहाँ पे मोस्टली सारे क्रिस्टल्स भी इनके पास होते हैं. तो मैंने हस्बैंड को इस दुकान के दर्शन कराए हैं, चंगी तरह हर एक चीज़ दिखाई है कि किस कोने में क्या क्या पड़ा है. आई डोंट नो हस्बैंड को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है या नहीं, बट वो लाइक मेडिटेशन में तो उनको इंटरेस्ट है, लाइक स्पिरिचुअलिटी में ही इज़ इंटरेस्टेड. ये क्रिस्टल्स एंड ऑल ये स्पेल्स में नहीं है, स्पेल्स में मुझे भी नहीं है, पर यहाँ पर ये स्पेल्स की बुक्स भी पड़ी हैं अगर आप स्पेल्स करना चाहते हैं तो. और उसके बाद हम दोनों गए हैं ये प्यारी सी दुकान में जहाँ पे पौधे ही पौधे हैं. तो यहाँ पे वो सारे प्लांट्स मिल जाएंगे जो कहीं और नहीं मिलते हैं. और ये दुकान है मिल्टन डाउनटाउन में. गाइस लुक एट दीज बॉल्स. Keep my schedule up, filling it with meetings and stuff. Hi, yes, 3:45 is good. हेलो दोस्तों, घर पे पहुंच चुके हैं. मैं हिम्मत को पिक करने के लिए जा रही हूँ. उसके बाद मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक की है, वो इसलिए क्योंकि मेरा ना सर चेहरा मैं लगा. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं मैंने कितने दिन से बता रही हूँ कि मेरा ना हाफ सर में दर्द है. अगर थोड़ी देर में ठीक हो जाती है फिर होती है पर अब कई बार इतनी इंटेंस होती है कि जब मैं बैठ के उठती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई हथौड़े मार रहा है. और अब तो ऐसे हो गया है कि जब मैं इस एरिया को टच कर रही हूँ ना ये एरिया बहुत ही ज़्यादा सोर एंड पेनफुल फील हो रहा है. सो मैंने मेरी फैमिली डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक की है तो जाऊँगी. मैं 4 बजे मिली है मुझे अपॉइंटमेंट. अब 3 बजे हिम्मत आने वाला है तो उसको पिक करके देन मैं मेरी डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ. हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि है क्या.
कि हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में। ऑलराइट गाइस, हिम्मत को पिक कर लिया गया। हिम्मत नॉट वेरी वेरी हैप्पी। आई डोंट नो व्हाई। लेट मी आस्क हिम। मीमू, व्हाई यू नॉट सो हैप्पी? बिकॉज़ लाइफ इज बैड। व्हाई लाइफ इज बैड? बिकॉज़ आई ऑलवेज लूज। व्हाट यू लूज माय स्वीटी बूगी? आई लूज दैट। ओके दोस्तों, तो मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ, पर मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले मुझे कार में गैस फिल करनी पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल नहीं है। एंड देन से मॉलाशेस की डिलीवरी करने के लिए जाना है। ऑलराइट दोस्तों, सब बीमारी का अपडेट क्या है? डॉक्टर को सिम्टम माइग्रेन की लग रहे हैं और वो प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए तैयार हैं, पर मैनू ना गोलियां इतनी ऑलरेडी मैं खाती हूँ, तो फिर जो भी डॉक्टर ने कहा है कि मुझे करना चाहिए, मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई कमी है। एक तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती नहीं है, हमेशा उठ के मैं हस्बैंड को बताती हूँ कि मैं नींद अच्छी नहीं आई, नींद अच्छी नहीं आई। सो वो डॉक्टर ने कहा कि नींद सबसे बड़ी चीज़ है, और दूसरा है स्ट्रेस, और जो जरा मैं बहुत ज़्यादा लेती रहती हूँ चीज़ों का, एवरीथिंग का। पर यह प्रिस्क्रिप्शन ले लिया है एक मैंने, जो अगर पेन हो तो वो मैं खा सकती हूँ, क्योंकि कह रही कि एडवलन टैलेनॉल खाना भी अच्छा नहीं होता है ज़्यादा। सो यार यही अपडेट है, पर प्रिस्क्रिप्शन मैं अभी लूँगी नहीं। सो मैं कोशिश करूँगी कि नेचुरल तरीके से हम इसको मैनेज कर पाएँ, जो कि है अच्छी नींद लेना, उसकी कोशिश की जाएगी। और मैंने देखा जब मेरे सर में पेन हो रही है ना, तो मैं मसाज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर की दर्द मेरी सिर्फ इसी एरिया में होती है, मोस्टली लेफ्ट साइड ही होती है, कभी राइट होगी। और राइट साइड मेरी बिल्कुल हैप्पी है, मस्त है, उसे पता भी नहीं किस साइड कुछ हो रहा है। और इस बार ये हुआ है कि दर्द बहुत दिनों तक रहा है, और ये जो एरिया है टेंडर है, इसको दबाने में भी दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये बीमारी की इन्फॉर्मेशन में आप इंटरेस्टेड है या नहीं, पर हम मैं वीडियो बना रही हूँ रोज़, तो कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ क्या जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है मुझे बताना पड़ेगा। सो या दैट्स अपडेट। अब हम जा रहे हैं कोई भी रैंडम चीज़ें करने के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, गैस पे लिक्विड लिपस्टिक्स। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और हमेशा चाहती हूँ कि कोई अफोर्डेबल मुझे मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा स्पेंड करना मुझे मज़ेदार नहीं लगता है। सो अगर मुझे ये अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर से बताऊँगी आपको। आज मेरा पहला दिन है इसको ट्राई करने का, एक मिनट पहले मैं ली है मैंने। तो मैं घर आ चुकी हूँ। एक्चुअली हस्बैंड का मैसेज आ गया था कि वो पार्क में है, तो मैं थोड़ी देर उनके पास चली गई थी। पर अब मैं घर आके सबसे पहला काम किया है मैंने कॉफ़ी मशीन ऑन करने का, एंड आज मेरा मन है मैक्रोनी पास्ता बनाने का, जैसे हम इंडिया में बनाते थे। मैं आलू, शिमला मिर्च डाल के, खूब सारा धनिया, लाइम डाल के, सो उसको बॉयल होने के लिए रखने वाली हूँ। मैं हस्बैंड उसके फ़ैन नहीं है, मैं अभी बहुत रेयर खाती हूँ। आज मुझे लगता है कि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं और आप मुझे पहली बार बनाते देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बना, पर आज अचानक से मन कर गया यार। सो बचपन वाला मैक्रोनी पास्ता खाने के लिए मन कर गया है, तो हम उसे बॉयल होने के लिए रख देंगे एंड खुद हम चाय का मज़ा लेंगे तब। ओके, जब मैं आपको दिखाया था कि हस्बैंड के लिए मैं गोभी परांठा बनाने वाली हूँ, तो मेरे इसकी बैटरी भी डेड हो गई, बैटरी मैंने चेंज की तो मेमोरी कार्ड फुल हो गया, तो फिर वो वीडियो बनी नहीं, ना ही मैं आपको दिखाई पाई बनाते हुए ना खाते हुए। तो हस्बैंड ने खाए थे परांठा, गोभी परांठा, पर मैं ज़्यादातर जब हस्बैंड के लिए परांठा बनाती हूँ ना, ऐसे स्टफ़ करके या कोई भी आलतू फालतू टशन वाला परांठा या किसी चीज़ के साथ, राजमा के साथ उनको प्लेन परांठा अच्छा लगता है, तो मैं अपने लिए फुलका ही बनाती हूँ ड्राई। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि हम मुझे परांठे खाने की इतनी ज़्यादा आदत। सो मैंने गोभी के साथ एक फुलका ही खाया, मैं इसीलिए मुझे ना थोड़ी भूख लगी है, और हमने खाया भी बहुत जल्दी लिया था, कितने 12 बजे थे तब। एंड सो पास्ता खाएंगे आज, देखी देखी जाएगी। सो चाय बना लेती हूँ अपने लिए एक कप। प्यारे पति देव ना अपनी चाय बना के ये केक अप अंदर से निकाल देंगे, बड़ा मज़ा आता है उनको उल्टे छुलटे काम करने का। मैक्रोनी के लिए ट्राई किया था ये वाला ब्रांड, ये मैंने वॉलमार्ट से लिया है। देखने में तो ये मैक्रोनी के जो पास्ता है बहुत ज़्यादा टाइनी है, और जो इंडिया में बैम्बिनो मैक्रोनी के वो पास्ता शेल्स मिलते थे तो वो बहुत अच्छे थे, इतने फुल जाते थे और इतने बड़े बड़े हो जाते थे, अलग ही फ्लेवर आता है उस पास्ते का। पर मैंने देखा है कि ये जो ब्रांड है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, देखने में तो छोटे हैं पर बॉयल होने के बाद काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। सो इसको मैं यूज़ करूँगी। अगर आपको इंडिया जैसी मैक्रोनी को मिस करते हैं, यहाँ पे मिलती नहीं है ना, यहाँ पे इंडियन ग्रॉसरी में भी वो मिलते नहीं है, सो इसे ट्राई कर सकते हैं। ये वॉलमार्ट से लिया मैंने। ओके सो गाइस, प्रिस्क्रिप्शन मैंने लिया है डॉक्टर से, वो कह रही कि ये वाली जो गोली है इसको खा के मेरी माइग्रेन ठीक हो जाएगी, जब मेरे पेन होनी शुरू होगी तब। वैसे कह रही कि जिसकी माइग्रेन बहुत सीवियर होती है, लाइक सारा महीना होती रहती है, तो उससे रोज़ खानी पड़ती है। पर मैंने कहा कि मैं नहीं खाना चाहती कोई मेडिकेशन रोज़। एंड दूसरी चीज़ वो पूछ रही थी, तुम्हारी जो दर्द है 10 में से कितने नंबर दोगे? मैंने कहा कि रूमेटॉइड की दर्द इतनी ज़्यादा होती है
कि मेरी जो पेन की वो कैपेसिटी है ना वो बढ़ गई है, तो इसे मैं है तो बुरी दर्द पर मैं क्या मैं 5-6 ही दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी। ये जो आर्थराइटिस की पेन है वो आपकी सहन शक्ति को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है, काफ़ी पेन आप आराम से सह लेंगे। वैसे भी मेरे में ना पेन काफ़ी ज़्यादा सहने की शक्ति रब ने पहले ही दी थी, छोटी मोटी चीज़ों को मैं सीरियस नहीं लेती थी। शेफ थी मैं तो इदा मेरे कट लग जाए कुछ हो जाए इन्ना सीरियस नहीं लेती थी मैं सह लेती हूँ। हमारे साथ काम करने वाले कुछ ऐसे लड़के भी थे, जब कुछ छोटा सा कुछ होगा तो ऐसे करेंगे आई कांट लिव, मरने जैसे हो जाते थे वो। सो वैसे मैं हमेशा से थोड़ा सहने वाला हूँ बंदा, पेन सहने वाला, इन्नी छेती नहीं मैं दिल हार, तो रब ने पेन भी ऐसी दे दी कि चलो फिर सही है एवरी डे। ऑलरेड प्यारे दोस्तों, सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये एवरी डे वीडियो अच्छी लग रही होगी। मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्यारी प्यारी वीडियोस अपलोड करूँ। जो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट है, जो भी आप मुझसे देखना चाहते हैं, वो सारी वीडियोस हम कवर कर देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड रोज़ वीडियो देखने के लिए आना बहुत ज़रूरी है आपका। सो नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना, बेल को, ताकि रोज़ वीडियो जब आएगी टिंग टोंग हो जाए और आप जल्दी से आ जाए देखने के लिए। एंड मैं मिलूंगी आपको कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों, और बिल्कुल मत भूलें, यू गाइज़ अ ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी confident and strong. You guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. Bye, I love you.